गुड मॉर्निंग क्लास 11C। टुडे वी विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इन टॉपिक मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन में मैंने बताया था कि थ्री पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वेक्टर एनालिसिस, जिसको हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। लास्ट चैन पे हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो क्या होता है उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और फिर इसका थर्ड पार्ट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं करते हैं, अगर किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं कर रहे हैं, यानी आप इस डायरेक्शन में नहीं फेंक रहे हैं, ना ही वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, बल्कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो करते हैं। बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो किया। जब हम बॉडी को किस हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, तो जब तक बॉडी मूव कर रही है, एयर में है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मैं इसको स्टडी करूं, तब बॉडी के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी इफ़ ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, इफ़ ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट सम एंगल एंड ड्यूरिंग द मोशन, इफ़ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं और जब तक बॉडी मूव कर रही है, एयर में है, उसमें स्मॉल जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्मॉल जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, केवल इसको अगर हम स्टडी करें, बाकी किसी भी एक्सेलरेशन से हमें नहीं मतलब, बाकी इफेक्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। स्मॉल जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जब हम स्टडी करते हैं, तब बॉडी के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व रहती है, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो इसी को मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल एंड ड्यूरिंग द मोशन, इफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने को मिलते हैं। अगर हम बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फुटबॉल पे आप किक मार रहे हैं, या किसी तोप से कोई बॉम्ब निकल रहा है, या किसी आप प्लेन से किसी पैकेट को ड्रॉप कर रहे हैं, ये सारे जो एग्जांपल हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल में आ जाते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस पाथ में बॉडी मूव कर रही है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, उसको हमको देखना है। तो ट्रेजेक्ट्री मीन्स द पाथ फॉलोड बाई ए बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पाथ को फॉलो किया है बॉडी ने, उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? द पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टेड बॉडी ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैक्टर में हम लोग ने रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओ पॉइंट से थीटा एंगल पर बॉडी को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, और जब ये आफ्टर टाइम स्मॉल डी, मैंने सपोज कर लिया है कि आफ्टर टाइम स्मॉल डी बॉडी इस पी पॉइंट पे पहुंच गया है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अगर मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी ओ से एम तक की डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगी। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y। मैंने थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है, तो अब इस वेलोसिटी u को अगर मैं रिजॉल्व करूं, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ एंगल बनाता है, उधर की कंपोनेंट होता है u cos थीटा।
और जिधर एंगल नहीं दिया होगा उधर का कंपोनेंट साइन थीटा। तो मैंने सपोज कर लिया है कि वेलोसिटी यू का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो यू एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो यू वाई है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। तो जो मैंने अभी बोला है उसी को मैंने यहाँ लिखा है, आप एक बार देख सकते हैं। लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विथ वेलोसिटी स्मॉल यू एट एन एंगल थीटा एंड आफ्टर टाइम स्मॉल टी बॉडी इज एट ए पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई वेयर ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड पी एम इज इक्वल टू वाई, जैसा फिगर में नजर आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी यू को रिजॉल्व कर रहा हूँ, टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो उस वेलोसिटी को यू एक्स कह दिया है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो उस वेलोसिटी को यू वाई कह दे रहे हैं। तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा, ठीक है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा। और ये रिजॉल्व कैसे किया है इसको आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे यू आपको थीटा एंगल मालूम था, इधर की वेलोसिटी यू मालूम थी, मुझे एक्स एक्सिस यू एक्स और यू वाई निकालना था। तो मैंने ये अगर यू ये यू वाई है तो ये भी यू वाई होगी, तो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का साइन और कॉस का रिलेशन लगा दी। कॉस थीटा लगाएंगे तो यू एक्स अपॉन यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे यू एक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। इसको आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। तो रिजॉल्व कर लिया वेलोसिटी यू को टू कंपोनेंट्स में, यू एक्स यानी यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यू एक्स मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू वाई मीन्स वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं एक एक एक्सिस को लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए लगता है, वन डायमेंशन के लिए लगता है। देखिए ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बस लेते हैं, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ज़ीरो है। बेस में एक्स इसलिए लिख दिया है कि मैं सारी चीज़ें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ज़ीरो। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ये लिखी हुई है यू कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप इन टाइम टी जो डिस्टेंस कवर करी है वो ये वाली डिस्टेंस है ओ एम, तो मैंने लिख दिया ओ एम। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है चिल्ड्रेन, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो उस केस में आप सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, या अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ए एक्स ज़ीरो है तो सेकेंड टर्म तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो अब देखिए क्या बचेगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इन टू टी बचेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, ये टाइम। यू एक्स की वैल्यू मैंने यू कॉस थीटा रख दी, यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली। जैसे मैंने एक्स एक्सिस से अलॉन्ग किया है, सिमिलरली मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूँगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है यू साइन थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए एक्सेलरेशन जी तो लेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। और डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, देखिए ये था डिस्टेंस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो फिर अगेन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँ तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूँ यू वाई की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू तो ये वैल्यू हो जाएगी, यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू थी माइनस जी, इसमें पुट कर दिया तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इक्वेशन थ्री से, इक्वेशन थ्री से, और इसको सॉल्व किया तो इसमें यू कैंसिल हो गया, ये साइन अपॉन कॉस टैन थीटा हो गया, और यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इक्वेशन एक्स में तो क्वाड्रेटिक है लेकिन वाई में इसकी पावर वन है। जब कभी भी कोई इक्वेशन एक्स और वाई में हो और एक एक तरफ लीनियर और दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक हो तो उसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक बनता है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो पाथ होती है, वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। क्यों, ये याद रखिएगा कि हम लोगों का बार बार आता रहेगा, कहीं पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, एक्स और वाई में कोई इक्वेशन हो, किसी एक में क्वाड्रेटिक हो और दूसरे में लीनियर हो, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई में लीनियर होनी चाहिए, वाई में क्वाड्रेटिक है तो एक्स में लीनियर होनी चाहिए, तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक बनता है। अब चिल्ड्रन, इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को देखनी है, थ्री टर्म्स देखने हैं कि जब किसी बॉडी को हमने थ्रो किया है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स बॉडी कितने समय तक एयर में था, जब ग्राउंड से थ्रो किया गया तो दोबारा बॉडी को ग्राउंड से स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा और वो किस मैक्सिमम हाइट तक गया है। ठीक है, और तीसरा वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए ये दो चीज़ें जो मैंने नोट में लिख रखी है इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस याद रखेंगे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन होता है ज़ीरो। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी। अब हम लोग टर्म्स देख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है वो टाइम इंटरवल जब तक प्रोजेक्टेड बॉडी एयर में है, हवा में है, तब तक उस टाइम इंटरवल को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। द टाइम इंटरवल अप टू विच प्रोजेक्टेड बॉडी रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब इसको देख के डायग्राम में समझेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट से मेरा क्या मतलब है। इस डायग्राम में देखेंगे कि मैंने बॉडी को थ्रो किया है, जैसे इससे पहले मैं डायग्राम में मैंने दिखाया था कि बॉडी को ओ पॉइंट से थ्रो किया है, ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कहलाता है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया और ये जो है पैराबोलिक पाथ कवर करती हुई ग्राउंड से ए पॉइंट पे टकरा रही है। ओ से प्रोजेक्ट किया गया था और जितने टाइम इंटरवल तक बॉडी एयर में है यानी ग्राउंड को जब टच करेगी वहाँ तक का टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो फिगर में नज़र आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ कि मैंने लिख रहा हूँ कि लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एट एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी स्मॉल यू। ठीक है, एंड आफ्टर टाइम कैपिटल टी बॉडी इज एट ए पॉइंट ए। ठीक, अब मैं ये जो वेलोसिटी यू है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हैं या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए इसको यू कॉस थीटा लिख दिया। और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस यानी यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे टोटल टाइम निकालना है ओ से ए तक, तो मैं हाफ पाथ का टाइम निकाल ले रहा हूँ, ओ से पी तक का टाइम निकाल ले रहा हूँ, उसी को डबल कर दूंगा। या ये भी कह सकते हैं कि टोटल टाइम कैपिटल टी है तो ओ से पी तक का टाइम जो होगा कैपिटल टी का हाफ होगा यानी टी बाई टू होगा। और हम ये जानते हैं क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग ज़ीरो होती है। ठीक है, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इनिशियल, जब मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ तो सारी चीज़ें वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूँगा। इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई यू साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़ीरो हो गई,
ओ से पी तक का जो टाइम है वो कैपिटल टी बाई टू, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आपको बता रखा है कितना होता है, माइनस जी। ठीक है, तो वेलोसिटी गिवेन और टाइम निकालना हो तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए पी का यूज़ कर रहा हूँ। बेस में मैंने वाई वाई इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ। वी वाई की वैल्यू ज़ीरो रख दी, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और टी की जगह रख दिया कैपिटल टी बाई टू। ठीक है, तो जी टी बाई टू राइट लेफ्ट साइड में आ गया, और इससे टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट आपको फिगर में नज़र आ रही होगी, ये निकालना। तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ये होगी। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करने जा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सारी चीज़ें वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़ीरो है। यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा होल स्क्वायर, माइनस टू ए वाई की जगह माइनस जी रख दिया है, और एस वाई की जगह एच। तो ये टू जी एच को इधर ले आए, तो इससे हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। रेंज मतलब ये वाली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सब कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, वेलोसिटी भी ये वाली लेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है। और ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होता है ज़ीरो, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो मैंने पहले भी बताया था कि केवल सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसी का यूज़ कर लीजिए। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, और उस केस में केवल डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम लगा देते हैं। ठीक है, यू एक्स की जगह तो यू कॉस थीटा रख दिया, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन अगर कैपिटल टी की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर दूँ तो देखिए क्या आएगा। यू कॉस थीटा कैपिटल टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये यू इंटू यू यू स्क्वायर हो गया, और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लिख दिया अपॉन जी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने इसकी जगह साइन टू थीटा रख दी। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बॉडी मैक्सिमम रेंज कवर करे, ये डिस्टेंस मैक्सिमम, तो आप आर और साइन टू थीटा में रिलेशन देख सकते हैं कि आर जो है वो साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है तो साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ वन रख दिया, और वन साइन 90 की वैल्यू होती है, तो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, उस समय उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। यानी यहाँ पे अगर आर मैक्स का फॉर्मूला देखना है तो यहाँ वन रख दीजिए, तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम रेंज हो गया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि हम बॉडी ओ पॉइंट से किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल पर, वो ए पॉइंट पे पहुंच रहा है, आर रेंज कवर कर रहा है। आप किसी दूसरी बॉडी को भी थ्रो करना चाहते हैं सेम वेलोसिटी से, और आप चाहते हैं कि वो सेम रेंज कवर करे, रेंज सेम हो लेकिन एंगल डिफरेंट हो, तो अगर एक को आपने थीटा एंगल पर थ्रो किया है तो दूसरे को अगर आप 90 माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे तो उन दोनों केस में रेंज सेम होगी। ठीक है, रेंज सेम होगी। तो ये मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है।
टू डायमेंशन मोशन में क्लास 11 सी लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और ड्यूरिंग द मोशन अगर वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मींस अगर उसकी स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो पूरे मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे ए पॉइंट पे बॉडी मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, जब बॉडी मूव करके बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं शॉर्ट में UCM लिख दे रहा हूँ, आपको जब भी लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और ड्यूरिंग द मोशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जितना मैग्नीट्यूड ए पॉइंट पे होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पे होगा, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, तब बॉडी के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। तो अगर इसको लिखना है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इन सच ए वे that the magnitude of velocity remains constant, but direction changes continuously. Then its motion is called uniform circular motion.